अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काजमी और आप देख रहे हैं काजमी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लर्निंग रिमोट जो है हमारा, उसका क्या फंक्शन होता है, उसका क्या काम होता है। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरे पास ये दो रिमोट अवेलेबल हैं। पहला रिमोट जो है ये एक डिजिटल सेटअप बॉक्स का रिमोट है, केबल टीवी वाला बॉक्स है ये। इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ उस केबल टीवी बॉक्स की। ये उसका रिमोट है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक टीवी एरिया दिया हुआ है, टीवी कंट्रोल एरिया दिया हुआ है। इसमें कुछ कीज़ अवेलेबल हैं और एक सेट का बटन है। इसके अलावा देखें तो इसमें पावर बटन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पावर बटन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये जो कीज़ हैं, ये सेटअप बॉक्स की कीज़ हैं, उसका रिमोट है, प्रोग्राम किया हुआ है। और ये जो कीज़ हैं, यूँ समझ लें ये यूनिवर्सल कीज़ हैं, इनकी हम खुद से सेटिंग कर सकते हैं। रिमोट किसी भी रिमोट के साथ इनको मैच करवा सकते हैं। ये एक दूसरा रिमोट है, ये पीटीसीएल स्मार्ट टीवी का जो बॉक्स सेटअप बॉक्स देते हैं पीटीसीएल वाले, उनके साथ ये रिमोट अवेलेबल होता है। इसमें भी देखें तो इसमें भी टीवी का एरिया जो है सेपरेट किया हुआ है। तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठे देखें तो इनमें जो कीज़ हैं वो एक जैसी दी हुई हैं, यानी वॉल्यूम के लिए आप की दी हुई है, टीवी ऑडियो वीडियो की दी हुई है, और एक की आपको और दी हुई है इसमें कस्टम की, और ये सेट की है, ये पावर है। इनका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है, जब सेटअप बॉक्स आपको प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें ये होता है कि आपको दो रिमोट उठाने की ज़रूरत ना पड़े, यानी आप टीवी का रिमोट अलग से ना उठाएं। क्योंकि अगर आपने सेटअप बॉक्स कनेक्ट किया हुआ है तो फिर एक ही रिमोट आप उठा लें, उसी से आप टीवी ऑन कर लें, उसी से आप टीवी का वॉल्यूम जो है अप डाउन कर सकते हैं। अगर टीवी की ऑडियो वीडियो आपने चेंज करनी है, जैसे पुराने टेलीविजन्स थे तो उसमें आरएफ या सीए टीवी, एनालॉग टीवी का ऑप्शन था। उसके अलावा ऑडियो वीडियो पे हम कोई और चीज़ जब कनेक्ट करते थे तो उसमें हमें टीवी और ऑडियो वीडियो चेंज करना पड़ता था, तो उसके लिए कीज दी हुई। लाजमी नहीं है कि आप जो चीज़ इसके ऊपर लिखी हुई है आप उसी तरह इसे सेट करें, आप अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकते हैं। यानी कीज़ आपके पास यही अवेलेबल है, यहाँ पे आप वॉल्यूम करना चाहें वॉल्यूम कर सकते हैं, कोई और टीवी की सेटिंग करना चाहें जो आप नॉर्मली यूज़ करते हों, जो चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो वो आप सेट कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल रिमोट हैं, यूनिवर्सल सेक्शन इसमें दिया हुआ है, इसको लर्निंग रिमोट कहते हैं। ये आप जो जिस रिमोट की भी सेटिंग इसके साथ करना चाहेंगे तो वो सेट हो जाएगा। इसका सेटिंग का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इस वक्त जो पावर की कीज़ दी हुई हैं, ये आपके सामने एक एलईडी है, ये इस वक्त ऑन है, तो मैं अगर इसकी पावर की कीज़ इसको दबा रहा हूँ लेकिन वो इस पर वर्क नहीं कर रही। ये इसका रिमोट है एलईडी टीवी का, इसकी मैं की दबाता हूँ तो ये वर्क कर रही है, ये आपके सामने है, ये वर्क कर रही है। अब मैंने इन दोनों को आपस में प्रोग्राम करना है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, इसकी सेटिंग करने के लिए इन दोनों रिमोट्स को जो है बिल्कुल ऐसे आमने सामने रख देना है। तो मैं इनको बिल्कुल ऐसे आमने सामने रखने लगा हूँ, और सबसे पहले हमने इसको, इसकी जो सेटिंग वाला बटन है, इसकी जो सेटिंग वाला बटन है इसको प्रेस करना है, ताकि जो इसकी लाइट है वो थोड़ी ज़्यादा ग्लो करेगी। तो हम इसे, ये ग्लो कर गई है, अब हमने इसे छोड़ दिया है। अब सबसे पहले हमने इस रिमोट का बटन प्रेस करना है, तो मैं इसका सबसे पहले पावर वाला बटन प्रेस करने लगा हूँ। ये मैंने प्रेस किया, इसकी एलईडी ग्लो करना शुरू हो गई है। तो मैंने इसका पावर वाला बटन प्रेस किया तो उसकी एलईडी स्टॉप हो गई है। अब मैंने उसका वॉल्यूम माइनस वाला बटन प्रेस किया है, अब इस रिमोट का जो है मैंने वॉल्यूम माइनस वाला बटन प्रेस किया है, ये ओके हो गया। अब मैंने इसका वॉल्यूम प्लस वाला बटन प्रेस किया है, अब इसका भी मैंने वॉल्यूम प्लस वाला बटन प्रेस कर दिया है, ये ओके हो गया। तीसरे नंबर पे टीवी ऑडियो वीडियो वाला बटन है, इसको मैंने प्रेस किया है, तो इसकी जगह मैं चाहता हूँ मैं इसे म्यूट वाला बटन, ये म्यूट वाला बटन मैंने प्रेस कर दिया। अभी मेरे ये सारे बटन ओके हो गए हैं। अब मैंने इसे यहाँ पर सेट का दोबारा दबाना तो ये मेरा ओके हो चुका है। अब ये आपके सामने है और मैं इसको जो है, एलसीडी आपके सामने है, इसका मैं माइनस वाला बटन अब दबा रहा हूँ तो ये वॉल्यूम मेरा माइनस हो रहा है, अब मैं प्लस वाला दबा रहा हूँ तो मेरा ये प्लस हो रहा है। अगर अब मैं ऑडियो वीडियो वाला मेरा दबाता हूँ तो ये जो है, इस इधर देखें स्क्रीन पे म्यूट वाला बटन मेरा काम कर रहा है।
ठीक है जी। अब पावर वाला बटन अगर मैं दबाता हूँ तो ये देखें जी, पावर वाला बटन भी इसका काम कर रहा है, ये ऑन हो गया। अब सेम प्रोसीजर जो है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है इसका दूसरे रिमोट का, इसमें भी आप करना चाहें तो इसमें भी इजीली कर सकते हैं। इन दोनों को आपने आमने सामने रख लेना है, उसके बाद सबसे पहले आपने इसका सेट का बटन प्रेस करना है। उसमें रेड लाइट थी तो इसमें जो है ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद आपने इसका पावर का बटन प्रेस करना है, तो इसके बाद इसका पावर का बटन आपने प्रेस कर देना है तो ये एलईडी ग्लो कर जाएगी। उसके बाद आपने वॉल्यूम वाला इसका बटन प्रेस करना है तो वॉल्यूम वाला फिर इसका प्रेस कर देना है तो ये एलईडी ग्लो कर जाती है। उसके बाद आपने माइनस वाला इसका प्रेस करना है तो वॉल्यूम माइनस वाला इसका प्रेस कर देना है तो ये एलईडी ग्लो कर जाएगी। उसके बाद इसका जो है ऑडियो वीडियो वाला बटन रह गया है, इसको मैं प्रेस कर देता हूँ और इसका मैं इधर से म्यूट वाला बटन प्रेस कर देता हूँ, ये ग्लो कर गई है। अब मैं इसका सेट वाला बटन दबा देता हूँ तो अब ये वाला रिमोट जो है मेरा, ये देखें ये भी काम कर रहा है जी। और ये इसमें समटाइम ऐसा होता है कुछ रिमोट जो हैं आपके कुछ कीज का फर्क आ जाता है, यानी ये माइनस वाला प्लस कर रहा है, प्लस वाला जो है इस पे ऑन ऑफ हो रहा है। तो जो ऑडियो वीडियो का हमने सेट किया था, ऑडियो वीडियो वाला आपका वो प्लस का माइनस कर रहा है ये, लेकिन बहुत कम होता है, कुछ रिमोट्स में ऐसा होता है लेकिन बहुत कम होता है। इस रिमोट का जैसे आपने देखा है बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया है और बिल्कुल वही कीज जो हमने सिलेक्ट की हैं बिल्कुल वही काम कर रही हैं। बहरहाल इस तरह से आप जो है अपने रिमोट की लर्निंग रिमोट की कीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं और आपको दो दो रिमोट उठाने की ज़रूरत नहीं, आप एक ही रिमोट की मदद से जो है अपने टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हैं और सेटअप बॉक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यह थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझे पूछिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा।